गाइस एक तरफ है जय देवा था पहलवान और दूसरी तरफ है जावेद गनी पहलवान, और जो पहलवानों ने सुपरस्टार पहलवानों ने मिलकर इन पहलवानों को इतनी बुरी तरीके से ठोका बजाया पूरे अखाड़े में। और ये देखिए ये दोनों पहलवान है, सुपरस्टार पहलवान है देवा थापा पहलवान और ये है जावेद गनी पहलवान जो जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं। अब ये इतना खतरनाक स्टंट है देवा थापा पहलवान का, और देवा थापा पहलवान ने आज अखाड़े में इसके सारे फिल्टर चोक कर दिए, क्योंकि ये देव तो है देवा थापा नेपाल काठमांडू से जो बिलोंग करते हैं, और ये देवा थापा के साथ में इन्हें बदतमीजी की थी बिल्ली पहलवान ने, आज इसको इतनी खतरनाक तरीके ठोका दे। देवा थापा पहलवान सुपरस्टार पहलवान है और जनता इनकी दीवानी है, और ये देवा थापा पहलवानों की पहलवान की 3 महीने पहले बुकिंग की जाती है, क्योंकि तब इनका नंबर आता लड़ने का, और ये आज बहुत ही खतरनाक कुश्ती होने वाली। दोस्तों पूरी कुश्ती जरूर करो देखो, अगर आपने हमारे चैनल को गाइस देवा थावा पहलवान ने बिल्ली पहलवान को अखाड़े में इतनी बुरी तरीके से मारा है लेटा लेटार के, क्योंकि ये जो पहलवान है बदतमीजी कर रहा था देवा थावा के साथ में, और देवा थावा ने इतने धोबी पाट मारे कि जवानी चक्कर काटी। गाइस आज की कुश्ती बहुत ही टॉप होने वाली है, और पूरी कुश्ती जरूर देखें, और बहुत ही खतरनाक ये स्टंट है, ये देवा थापा उड़ के मारते हैं ये स्टंट, और बिल्ली पहलवान के इतने धोबी पाट मारे इसकी जवानी चक्कर काट गई, क्योंकि इसका कहना ये अब देवा थापा से मैं नहीं लड़ूंगा। ठीक है तपेज सही है ना, ठंडी लग रहा तुझे ज्यादा लग रहा है, आज कितना मैच कुश्ती लड़ोगे भाई साहब? 5 मैच थे यार, ऐसा है 2-3 दिन से वे आराम कर रहे थे, खा रहे थे, पी रहे थे, दूध पी रहे थे 2-2 किलो 3-3 किलो रात को, तो दूध पीने के बाद इनका पेट खराब होता था, पूरा रात बाथरूम में भागते रहे इन लोग। जब मैं पेशाब कर रहा था तब भी आवाज आ रहा तो इसलिए भाई साहब शरीर ठीक है ना, तो फिर लड़ो। आज तो जनता को दिखाना ही पड़ेगा, कब तक धाना मारोगे? मिलाइए आप, मिला लो, क्या बड़ा क्यों है, बहुत अच्छे, हाँ बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अरे नहीं नहीं नहीं, अरे नहीं, धक्का मुक्की नहीं पहलवान, आज मुर्गा जोश में लगता है, देखेंगे अभी। कत लंबा रंगोरा, ये है बिनी पहलवान, राजस्थान फांसी वाली गली जल्लाते वाला मोहल्ला, और इनका शानदार मकान नंबर 420। अच्छा अच्छा, जल्लाद पहलवान का तीसरा लड़का मकान नंबर 420 के किसे भाई साहब, आगे पीछे नहीं हुआ अभी? अच्छा तुम्हारा बाप का 19 था, तुमने 20 कर दी, 21 तुम्हारा लड़का करेगा। और इन्हीं के सवालों के जवाब में है देवा थापा पहलवान नेपाल पट्टा फैसिंग गेंदा, इसका गुरु था ध्यान सिंह गेंडा पहलवान, उसको तुमने नहीं देखा, बहुत छोटे हो गए, बहुत अच्छे। कुर्सी का टाइम 15 मिनट, चलो पहलवान जी चलिए, चलो भेड़ी हमारे हाथ पे पहलवान जी चलिए, चलते रहो चलते रहो चलते रहो चलते रहो, दोनों पहलवान बहुत अच्छे। ए मिट्टी रहने दो, मिट्टी रहने दो, ऐसे ही चलो, मिट्टी लग जाएगी, बहुत अच्छे, शाबाश पहलवान। अरे जोर से डाल दे, क्या बात है, क्या कहने, लड़के भी लग जाएगी, क्या कहने। हेलो, ये सुना कि ठंड ज्यादा है, बिना मिट्टी से कुश्ती हो जाओ, हो जाए, खत्म हो जाने को कोशिश कर रहा, लेकिन ऐसा मत सोच, मिट्टी तो ना लगाऊंगा, तुझे नहाना ही पड़ेगा आज। हेलो, ए हरिया बुढ़ा मकान, हेलो, आओ बच्चों तुम्हें दिखाए झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो, ये मिट्टी है बलिदान की, क्या कहे बहादुर, एक तरफ नेपाल है और एक तरफ राजस्थान है, सुनामी में चल रहा है मुकाबला हर साल की तरह, इंडिया नहीं, इंडिया और नेपाल के बीच चलता मुकाबला, जो दर्शक बाहर खड़े हैं लगा दो जलवा जलवा, बहुत अच्छे। क्या बात है, किन्नी पहलवान
राजस्थान की शान दिल्ली पहलवान। यही है नेपाल, नेपाल की शान देवा थापा पहलवान। अरे घूम तो रहा है, दोनों का जवान नहीं, क्या बात है। बहुत ही शानदार मुकाबला, बहुत ही घमासान मुकाबला दोनों के बीच, राजस्थान और इंडिया के बीच बहुत ही शानदार और जानदार मुकाबला। बाहर खड़ी शौकीन जनता से मैं ये गुजारिश करूंगा कि अपना अपना टिकट लेकर दंगल हॉल में चले। बहुत ही नेपाल से मैं इकला रहा हूँ ना, इसलिए इन्होंने ऐसा कर रहा मेरे साथ।
ठीक है आप इंडिया वाले, हम नेपाल से आया लेकिन नेपाल और इंडिया भाई भाई है, ध्यान रखना। एक बार सो कभी नेपाल को कोई जरूरत पता नहीं, इंडिया वालों से मांगते हैं देते हैं, बहुत दिनों से बहुत सालों से रिश्तेदारी निभा रखा है, समझ में आया। कोई नहीं है ना नेपाल ना इंडिया, हम एक इंसान है, इंसान के दामर बेईमानी ना कर। ऐसे क्या मतलब हो गया ठीक ठीक बुला रहे बुला रहे, मैं देखा बातचीत कर दिया, एक कोई बात है यार ईमानदारी का जरूरी होता है बस्ता, ईमानदारी का कुछ हो जाए, एक बात सुनो, देख हंसते रहते हैं, एक बात सुनो, लड़ना है तो लड़ जा, नहीं तो जा ऊपर जाके करंट का तार पकड़ के मर जा। इस बहुत छोटी ने सारी नेपाली पब्लिक अपनी तरफ कर ली, कई लोग सुना सुना के हमारी तरफ सारा एक भी आदमी नहीं है। एक बात सुन, तुम जल्ला सिंह का कौन से नंबर का लड़का है? छोटा बहुत लड़का पैदा कर रखा है यार जल्ला सिंह ने भी, तो जैसे छूटा कि नहीं छूटा? अभी नहीं छूटा, आती तो है लोगों में 15-15 लड़के हैं। तो जो आपका बाप जल्ला सिंह है उसको चोरी करना किसे सिखाया था? आप जेल में बैठा है, कब छूटेगा वो? मदर मुदर नहीं करे, चोरी करा था इसका बाप ने जल्ला सिंह ने, भाई साहब गाना लगा था यार। एक बार बता चलते हैं कुश्ती हुई क्या? देख भाई साहब कुश्ती नहीं हुआ, ईमानदार से कुश्ती लड़ा भाई, सब जनता ने देखा, मुझे बड़ा था देख 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 मोजा देखता था। जब कुश्ती लड़ते लड़ते तुम भाग रहे हो, कल को स्वागत माते माते भाग जाएगा तू? पहले कुश्ती लड़े फिर चला जाइए जाग जाना, चला तो लड़ ले अपनी तरफ। एक बहुत बड़ा आदमी है जावेद गनी, हाथ खड़ा कर दिया उसने, लड़ना पड़ेगा आपको। जवाब ही कितनी पहलवान तेरा जवाब का स्वागत करेगी और